इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए हुई ऑक्शन के दौरान हाल ही में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे टेस्ट क्रिकेट के प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग फ्रेंचाइजी ने जैसे ही टेस्ट क्रिकेट के विशुद्ध बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को खरीदा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुजारा से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज भर ही नहीं बल्कि पुजारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट की वो नींव है जिसकी मजबूती की दम पर टीम इंडिया की विजय पताका विश्व क्रिकेट के पटल पर शान से लहराती है। ऐसे बल्लेबाज का लगातार आईपीएल के 7 ऑक्शन में बिना बिके रह जाना टेस्ट क्रिकेट के दीवानों के चेहरे पर मायूसी फेरता था, मगर इस बार चेन्नई ने बड़ा दिल दिखाया और उसने ये साबित किया कि चकाचौंध के बीच क्रिकेट के ऐसे नगीनों का भी चमचमाना जरूरी है जो तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर चमके हैं। दरअसल आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट के महारथी कहलाने वाले पुजारा पिछले 7 सीजन से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, मगर इस बार वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की पीली जर्सी में नजर आएंगे। 14वें सीजन की नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग ने पुजारा को 50 लाख की उनकी बेस्ट प्राइस में खरीदा है। पुजारा राहुल द्रविड़ और बीबीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की परंपरा से आते हैं। टेस्ट क्रिकेट की जबरदस्त तकनीकी से लैस पुजारा आईपीएल के आकर्षक शॉट खेलने में सक्षम नहीं है, मगर यदि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला और पिच पर वो 10 मिनट भी रहे तो पुजारा परंपरागत क्रिकेट की वो झलकी पेश कर जाएंगे जो फटाफट क्रिकेट के दौर में गायब होती जा रही है। दरअसल पुजारा लंबे समय से टीम के लिए संकट मोचक साबित होते आ रहे हैं। भारतीय टीम जब भी मुश्किल में फंसी, देश की नजरें पुजारा पर टिक गई और पुजारा ने कभी भी निराश नहीं किया। जी जान से खेले, टेस्ट क्रिकेट की चमक को फीका नहीं पड़ने दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही गाबा में पुजारा के सामने कंगारू गेंदबाजों के तरकश से सभी तीरें ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की आग उगलती गेंद पुजारा के शरीर से टकराती रही, लेकिन पुजारा अंगद के पांव की तरह पिच पर जमे रहे। चौथे टेस्ट मैच में 211 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली। इस दौरान अपने शरीर पर कई गेंद झेली और टीम के लिए जीत का माहौल तैयार किया। आज आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तमाम तरीके अपना रहा है। टेस्ट क्रिकेट में जान फूंकने के लिए गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट खेल रहा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। ऐसे समय में एक बल्लेबाज जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट का झंडा बरदार है, उसे आईपीएल में खेलते नहीं देखना प्रेम में टूटे किसी तिल के जख्म से कहीं अधिक गहरा घाव दे जाता है। दरअसल सीएसके ने भले ही बेस्ट प्राइस में पुजारा को खरीदा है, मगर देश के एक नगीने पर जमी धूल को उसने झाड़ दिया है। चेन्नई ने इस बार वो हिम्मत दिखाई है जो बाकी फ्रेंचाइजियों की तरह ही वो भी पिछले 7 सालों से नहीं दिखा पा रही थी। इस ऑक्शन में सीएसके के पर्स में बाकी टीमों के मुकाबले बेहद ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी उसने पुजारा पर बोली लगा दी। 50 लाख खर्च करके चेन्नई ने सिर्फ पुजारा को ही नहीं अपनी टीम में शामिल किया है, बल्कि उसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के गुरूर को अपने सामने जोड़ा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक 30 आईपीएल मैचों में 99.74 के स्ट्राइक रेट से और 20.53 की औसत के साथ 390 रन बनाए हैं। वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर की ओर से खेल चुके हैं। सीएसके ने पुजारा को खरीद कर विश्व में भारतीय क्रिकेट की इज्जत बचाई है, क्योंकि अपने देश में ही होने वाले टूर्नामेंट में हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नहीं खेलना किसी शर्म से कम नहीं होता। इसलिए शुक्रिया सीएसके ये बताने के लिए कि इस चकाचौंध में तुमने असली मोती को पहचाना है। बाकी पुजारा को खरीदने के बाद तुम्हारे लिए बजी तालियां इस बात का सबूत है कि तुमने अपने भीतर क्रिकेट की उस महक को बचा रखा है जिसकी खुशबू से क्रिकेट प्रेमी मदहोश हो जाते हैं और वो सुगंध पुजारा जैसे बल्लेबाजों में कूट कूट के भरी है। खैर, सीएसके के इस फैसले को लेकर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।